नमस्कार दोस्तों, दीवान गारमेंट में स्वागत है आपका। मैं दिनेश दीवान गारमेंट में एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को पुश करके ऑल का बटन दबा दीजिए। इससे दोस्तों आपको मेरी हर वीडियो मिलती रहेगी, हर पूरी वीडियो मिलती रहेगी। जो भी मैं बनाऊँगा आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा, आपको नई नई जानकारियाँ मिलती रहेगी। दोस्तों, आज आपको मैं लेके आया हूँ पॉली नेटिंग और कॉटन नेटिंग में डिफरेंट क्या है। जब हम जीन्स खरीदने जा रहे हैं तो पहनने में अच्छी कौन सी है, बेस्ट कौन सी है, उसका हम एनालिसिस करेंगे आज कि पॉली नेटिंग बढ़िया होती है कि कॉटन नेटिंग बढ़िया होती है, इसके फ़ायदे क्या है और इसके नुकसान क्या है, और सबसे बड़ा इसकी पहचान क्या है। हम जीन्स खरीदने जा रहे हैं तो पॉली नेटिंग खरीद रहे हैं या कॉटन नेटिंग खरीद रहे हैं, इसकी पहचान क्या है, ये हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि पॉली नेटिंग और कॉटन नेटिंग। अभी दोस्तों ये जो दो पीस है दोनों सेम कलर है, एक दोस्तों एक कॉटन नेटिंग है और एक पॉली नेटिंग है। ये दोस्तों कॉटन नेटिंग है और ये है पॉली नेटिंग। दोस्तों एक्चुअली देखा जाए तो जो नेटिंग होता है, नेटिंग का फैब्रिक होता है, वो दोस्तों हमको देखने से नहीं मालूम पड़ता, दोनों का कलर सेम है। आप खरीदने जा रहे हैं तो आपको मालूम नहीं पड़ पाएगा कि आखिर दोनों में डिफरेंट क्या है। दोस्तों पॉली नेटिंग ऐसा चीज़ है जो काफ़ी मजबूत होता है लेकिन चमकदार होता है, और कॉटन नेटिंग पॉली नेटिंग जितना मजबूत तो नहीं होता लेकिन पहनने में सबसे अच्छा कॉटन नेटिंग होता है। दोस्तों कॉटन नेटिंग में पहचान क्या है, सबसे बड़ी पहचान दोस्तों आपको पीस खोलने के बाद जो हम देखेंगे। पॉली नेटिंग में देखिए जो पॉली कपड़ा होता है वो पॉलिस्टर होता है, ये प्रयोगशाला में बनता है। एक बार से देखा जाए तो पॉली नेटिंग बनाया जाता है, ये देखिए इसकी चमक ज़्यादा है। नेटिंग में देखा जाएगा तो जो लाइनिंग होती है, नेटिंग की जो लाइनिंग होती है दोस्तों, ये लाइनिंग होती है नीटेड में, सबसे बड़ी पहचान है कि ये लाइनिंग होती है। ये देख रहे हैं हम, सबसे बड़ी पहचान, आपको कहीं कुछ करने की ज़रूरत नहीं, फटाक आपको बस ये देखने हैं कि पॉली नेटिंग क्या है। लाइनिंग में आपको दोस्तों देखने में तो नहीं मालूम पड़ेगा लेकिन जब आप पीछे बाजू खोल के जींस देखेंगे, ये देखो जो लाइनिंग है, लाइनिंग तो आप दोनों में सेम है, ये देखिए लाइनिंग दोनों में आपको सेम दिखेगी, लाइनिंग ये सेम दिख रही है, तो आपको इसको पहचानेंगे कैसा। दोस्तों जो पॉलिस्टर होता है वो चमकदार होता है और जो कॉटन होता है उसमें चमक नहीं होती। दोस्तों ये देखिए ये पॉली नेटिंग है तो इसमें चमक ज़्यादा है, लाइनिंग सेम है, और एक कॉटन है तो इसमें चमक नहीं है, लाइनिंग सेम है। जो लाइनिंग है वो सेम है दोनों में, ये देखिए ये लाइनिंग देखिए और ये लाइनिंग देखिए, लाइनिंग सेम है बट इसमें डिफरेंट है तो चमक का। दोस्तों ये पॉलिस्टर है ये चमकदार है, और ये कॉटन है ये चमकदार नहीं है। तो दोस्तों डिफरेंट आपको समझ में आ गया एक मिनट के अंदर कि कपड़ा हम कौन सा ले रहे हैं। दूसरा कलर दोस्तों, ये दोस्तों दूसरा कलर है, ब्लू कलर है, दोनों पॉलिस्टर, एक कॉटन है और ये पॉलिस्टर है। कलर आप देखेंगे दोस्तों आपको कलर में कुछ भी डिफरेंट नहीं आएगा। आप जींस खरीदने जा रहे हैं तो आपको मालूम नहीं चलेगा कि आप कलर कॉटन खरीद रहे हैं या पॉलिस्टर खरीद रहे हैं। दोस्तों पॉलिस्टर में चमक ज़्यादा होती है, ज़्यादा दिन तक चलता है, लेकिन पहनने में इसके जो तकलीफें हैं वो जल्दी गर्म होता है, आग जल्दी पकड़ता है। कॉटन कपड़ा ऐसा है जो पहनने में बिल्कुल स्मूथ होता है, आप कैसे भी किसी भी तरह पहन सकते हैं, कोई खुजली नहीं। और पॉलिस्टर में क्या है, मतलब कि नेचुरल कलर से कलर किए गए हैं, इनको हम देखेंगे। ये देखिए चमक बरकरार है, निटिंग कपड़े का फील वैसा ही है, और इसमें देखेंगे तो थोड़ा कलर हो गया है। दोस्तों समझ गए, जो पॉलिस्टर होता है, जो कॉटन होता है, उसमें कॉटन में कलर तो चढ़ जाता है, ओडी होता है तो इसमें कलर का इफेक्ट आता है थोड़ा, लेकिन जो पॉली नेटिंग होता है उसमें बिल्कुल हल्का सा आता है, चमक बरकरार रहती है। तो समझ गए हैं दोस्तों, अगर हम ओडी भी कलर भी ले रहे हैं, सेम कलर भी ले रहे हैं, तो इतना ही डिफरेंट है कि पॉली नेटिंग में कपड़ा थोड़ा चढ़ जाता है, कलर थोड़ा चढ़ जाता है, और कॉटन नेटिंग में कलर ज़्यादा चढ़ता है और पॉली नेटिंग में बिल्कुल हल्का कलर सब। तो दोस्तों आपको समझ नेटिंग क्या है और कॉटन नेटिंग क्या है। दोस्तों हम खरीदने जा रहे हैं मार्केट में, हम देख के खरीदेंगे, क्योंकि जो कॉटन नेटिंग कपड़ा होता है, कॉटन नेटिंग कपड़ा दोस्तों भले थोड़ा कम चलता है लेकिन पहनने में अच्छा होता है, क्वालिटी अच्छी होती है, क्योंकि दोस्तों
जो कॉटन होता है वो नेचुरल बनता है और जो पॉलिनेटिंग होता है वो प्रयोगशाला में बनता है, उसमें उतनी अच्छी नहीं होती। चमकदार देखने में तो अच्छी लगती है लेकिन पहनने में उतना नहीं होता है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो मेरा पसंद आया है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, क्योंकि ऐसे ही मेरी वीडियो आती रहेंगी, आपको नया नया चीज़ बताती रहेंगी। तो ओके दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक दूसरे कपड़े के साथ, एक नई चीज़ के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।